आप यूँ खुल लो वैसे वैसे अंदर से आप दोनों फेम हो जाएंगे। ठीक है। वैसे औद्योगिक विकास हो, किस प्रकार अजमेर के टूरिज्म का विकास हो, किस तरह अजमेर में उचित जल वितरण की व्यवस्था हो, और अजमेर के जो सरकारी स्कूल और जो प्राइवेट स्कूल है उसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं किस प्रकार उपलब्ध हो, इन सब बातों को लेकर के ये संकल्प पत्र जारी किया है। तो बड़े होटल, छोटे होटल, ग्रामीण होटल सबके विकास के लिए वो उसको उन्होंने बताया था, कहते हैं कि मुझे हाथ जोड़ के जाना पड़े बड़े उद्योगपतियों के पास तो भी जाऊंगा, उन्हें अजमेर लाऊंगा। कि आप अजमेर आइए, अजमेर को देखिए और अजमेर का विकास कीजिए। धन्यवाद। वो चुनावी पायलट खुद लड़ रहे थे, खुद लड़ रहे थे। तो यदि जनता को पायलट साहब से नफरत होती तो वो क्यों जीता थी? पायलट के काम पे वोट मांग रहे थे। अगर पायलट साहब चुनाव लड़ते तो वो जीतते, आपको लगता है? जीतते हां, पायलट साहब ने लड़ा था। अरे लड़ाई उन्होंने, अरे लड़ाई उन्होंने, वो ऐसे नहीं, वो ऐसे नहीं लड़े, वो पार्टी का फैसला है। नहीं, वो ऐसे नहीं लड़े, नहीं मतलब वो ऐसे नहीं लड़े, सुनो, वो ऐसे नहीं लड़े कि उन्होंने तीन चुनाव लड़े। वो पीसीसी अध्यक्ष थे अलवर, ये और क्या अपना भिलवाड़ा मांडलगढ़ का, वो तीन चुनाव लड़ाने थे उनको। लेकिन ये चुनाव भी स्टेक पर उनका ही था ना। तो जब पायलट साहब ने ये चुनाव लड़के रघु शर्मा जी को जिताया तो वो नहीं जीतते क्या? वो भी जीतते जब रघु जी उनके लिए काम करते, दोनों मिलकर जीतते। चर्चा ये थी सर कि उनका इतना चर्चा हो गई। नहीं, पर मैं तो ये निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि अपन बात करें वचन पत्र में। एक वचनबद्धता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने लूटपाट कम हो, अगला बांग्लादेशी वो तो पहले कांग्रेस कह चुकी है, अवैध कोई हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे कोई हो, एक बांग्लादेशी की चुनौती कोई हो वो नहीं रहना चाहिए। ये तो कांग्रेस से पहले कहा इस बात को, कांग्रेस अखबार कर रहे हैं। ये तो बीजेपी मुद्दा बनाती है चुनाव आता है जब, अवैध बांग्लादेशी का 5 साल क्या किया, कितने निकाले इन्होंने, कितने चिन्हित किए, निकालना बहुत दूर की बात है, कितने चिन्हित किए। कांग्रेस ने कभी इसके ये नहीं कहा, कांग्रेस हमेशा कहती है अवैध कोई रहे, केवल हम ये कहते हैं केवल बांग्लादेशी क्यों, कोई हो जो है अवैध। लेकिन करे सी बीजेपी कुछ, केवल बोलती है, चुनाव में अपना मुद्दा बनाती है और चुनाव में मुद्दा बना करके और उसको वो करती है दुर्विग्रहण, वो उसके खिलाफ है। एनआरसी राजस्थान से मतलब ही नहीं है, राजस्थान का विषय नहीं है और न अजमेर का विषय है। अपन बात अजमेर के वचन पत्र की कर रहे हैं, पूरे इंडिया की नहीं कर रहे हैं। अपन अजमेर की बात कर रहे हैं, मन तो पूर्वोत्तर राज्यों में ही है। अपन तो एनआरसी की बात करी कैसे रहे हैं, यहाँ तो बात ही नहीं है। एनआरसी पूरा कंट्री में कौन सा बीजेपी लागू कर रही है, समझ नहीं। अपना विषय नहीं है ही नहीं ना, तो यहाँ हमारा रिजू जी को पर्सनली हमारा उद्योग हैंडल करने में, तो आप सोच सकते हैं एचआर की कितनी बड़ी टीम होगी। तो ये अभी जो डिटेल प्लान है वो बनेगा लेकर के वसुदेव कुटुंबकम की हमारी जो है थीम रही है, और भारतीय जनता पार्टी तो बड़ा हिंदुत्व की और हिंदू संस्कृति की बात लेकर के चलती है। और नहीं, वो फैसला नहीं, बाहर हम काम की बात कर रहे हैं कि जो जमीन पे काम करे हुए हैं। देखो, चुनाव में आर्जित होती रहती है, कौन चुनाव में आर्जित होती रहती है, वो कोई बात नहीं है। चुनाव में आर्जित होती है, काम आप मांग रहे हो हम बैठ करके गिना सकते हैं, हम गिना सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट की जो सक्षम अजमेर का युवा मिलेगा प्रायोरिटी उसी की है, और उसके कौशल विकास के लिए वो सीएसआर के फंड में से, उनका मैं भी लगाऊंगा और सीएसआर में मांग के भी लाऊंगा, उस फंड में से लोगों को हम कौशल रूप से विकसित करेंगे और विकसित करके उन्हें रोजगार उपलब्ध हो ऐसी व्यवस्था करेंगे। आप एक काम करो, चलो आप 200 के पॉइंट बता दो कहाँ लगे, हम बता दें कहाँ लगे। संजय भाई सुनो, उसकी हम मना नहीं करते। राधे श्याम जी सुनो, बात क्या होगी, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। कल 3 मीटिंगें थी जुजनो वाला जी की, सारे सामान्य मतलब नॉन पॉलिटिकल लोगों के साथ, जिसको वर्कर नहीं थे। अगला आदमी क्या कहता है कि आपने मुझे बुलाया है, मैंने मेरा आवेदन रख दिया,
अब आप बुला लीजिए उनको भी, आप बागे चौधरी जी को भी, उनकी बात भी सुनिए, उसके बाद भी आपको लगे कि मैं सही बोल रहा हूँ तो मुझे वोट देना और वो सही दे रहा है तो उसको वोट देना। जो व्यक्ति इतने खुले दिमाग से चुनाव लड़ रहा हो, निश्चित रूप से जो वचन पत्र उन्होंने कांग्रेस ने पेश किया है इसको लेकर के आपके परिणाम आएंगे और 5 साल में अजमेर की दिशा और दशा दोनों बदलेगी। तो मेरी तो आपसे फिर अपील है, आप सभी मित्रों से, कि आप भी वोट नहीं, पायलट साहब ने बोला है, पायलट साहब ने क्या नहीं किया, भाई क्या नहीं किया, एयरपोर्ट किसने दिया आपको, पायलट साहब ने क्या नहीं किया, यहाँ जो है सेंट्रल सेंट्रल 29 तारीख के लोकसभा चुनाव के लिए अपना वचन पत्र जारी किया और उस वचन पत्र के माध्यम से अजमेर के समग्र विकास के लिए आपसे वचनबद्ध हुए और ये उन्होंने बताया कि किस प्रकार अजमेर जिले का औद्योगिक विकास होगा, किस तरह पानी की समस्या दूर होगी, किस तरह बेरोजगारी मिटेगी, किस तरह चंबल का पानी अजमेर आएगा और अजमेर के संपूर्ण विकास के साथ साथ स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सफाई, इन सब की समस्याओं से हमारे उम्मीदवार रिजु झुंझुनवाला जी दो दो हाथ होंगे और अजमेर के विकास को नई दिशा और दशा देंगे। ये वचन पत्र हमने आपको प्रस्तुत भी किया है, उसका आप लोग भी अध्ययन करें और इसके अलावा कोई बात आप लोगों को और चाहिए अजमेर के विकास के लिए तो वो भी आपके सुझाव आमंत्रित है। किसका कांग्रेस सुनिए आप, महिला बचाओ की बहुत बात करती है ना, मोदी सरकार के पास पे 1,000 करोड़ रुपया निर्भया फंड का है जो सीसीटीवी लगाने के लिए एक लगा के उसमें से, ये सवाल आप भागीरथ चौधरी से भी कर रहा। मैं ये भी कहता हूँ आपसे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पीसी के अंदर जो ये बात कहती है कि स्थानीय उम्मीदवार ही विकास कर सकता है, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? आप लोगों को ही कहा उन्होंने और आपके माध्यम से जनता तक ये बात कही है। अजमेर के प्रबुद्ध मतदाताओं ने इस बात का भी प्रयोग करके देख लिया है, राशा सिंह जी स्थानीय ही थे और एक बार नहीं कई बार गए, सावरलाल जी भी स्थानीय ही थे। भारतीय जनता पार्टी को इस मंच से हम खुले रूप में आमंत्रित करते हैं कि चाहे जो स्थान करे, कंबाइंड पीसी करेंगे कि हमने 5 साल में सचिन जी के साथ में कितना काम करा और राशा सिंह जी के और सावरलाल जी के टाइम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय उम्मीदवार ने कितना काम करा, ये रिपोर्ट कार्ड लेकर के अपन अजमेर के मतदाताओं के बीच के अंदर आपके माध्यम से इस बात को हम रखते हैं और फिर जनता फैसला करे कि किसके अंदर काम करने की कुव्वत है, चाहे कहीं से भी कोई लेकर के आवे। लोकतंत्र के अंदर ये बात करना बहुत बहुत संकीर्णता की बात है कि इधर का हो, मेरी गली का हो, मेरे पड़ोस का हो, संभाग के हैं, अजमेर संभाग के हैं, हमारा संभागीय मुख्यालय है अजमेर।